स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल MS कंस्ट्रक्शन में। मैं आज आपको RCC ट्रस वर्क के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये पूरा बिल्डिंग में हमारा ट्रस लगेगा, बीच में कोई स्लैब नहीं रहेगा, फॉल सीलिंग रहेगा दोस्तों, और इसका कैंटिलीवर स्लैब निकला रहेगा। और मैं आपको इसका पूरा शटरिंग दिखाऊंगा, फिर इसका रॉड, फिर इसका कास्टिंग। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका हम शटरिंग देख लेते हैं ड्राइंग में। दोस्तों हमारा ये रूफ प्लान लेआउट है, देखिए ये हमारा कैंटिलीवर पूरा आउट आउट में स्लैब रहेगा, वन वे स्लैब, और हमारा बीच में दो बीम गया हुआ है, और इसमें स्लैब वगैरह नहीं रहेगा दोस्तों। ये कि देखिए क्या लिखा है, रूफ ट्रस, रूफ ट्रस, यहाँ पे ट्रस रहेगा। ये हमारा किचन बिल्डिंग है, इसलिए ये ट्रस बिल्डिंग बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब इसका हम शटरिंग देख लेते हैं, टॉप लेवल से और साइड लेवल से। ये हमारा फ्रंट लेवल है दोस्तों, फ्रंट साइड पूरा लेवल लेके इसका, ये जो आप जहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से ऊपर तक 3500 है इसका बॉटम लेवल, और इसका स्लैब लेवल है 3600 दोस्तों, सॉरी 3625, मतलब इसका जो वन वे स्लैब निकला है दोस्तों वो 125 mm का रहेगा थिकनेस। ये हमारा टॉप लेवल से है दोस्तों, यहाँ से क्लियर दिखेगा आपको। ये हमारा बीम का साइज है दोस्तों 250 बाई 4, 450 mm। ये हमारा ट्रस RCC ट्रस वर्क चल रहा है दोस्तों, इसके ऊपर फिर ट्रस लगेगा, फिर फॉल सीलिंग होगा हमारा। पहले मैं आपको इसका शटरिंग दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसका ड्राइंग का डिटेल दिखा देता हूँ दोस्तों, बीम का साइज़ और रॉड क्या जाएगा, और स्लैब का साइज़, स्लैब के साइज़ में रॉड क्या क्या जाएगा। ये तो प्लान है दोस्तों, ये हमने देख लिया है प्लान, अब इसका हम लोग बीम डिटेल देखेंगे। ये है हमारा बीम, बीम का साइज़ है 250 बाई 450 FB1। ये है हमारा ऊपर ऊपर वाला दोस्तों FB1, ये हमारा पूरा FB1 है, नीचे FB2 है, फिर यहाँ पे FB3 4 5 6, यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल दे दिया है दोस्तों, 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमको समझा भी दिया है किस तरीके से हमको रॉड वगैरह डालना है, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग स्लैब का देख लेते हैं। ये इसका कैंटिलीवर स्लैब डिटेल है दोस्तों, 8 8 mm का रॉड, 150 सेंटर टू सेंटर अपना। ये दोस्तों हमारा लॉन्गर स्पैन में रहेगा, और ये हमारा शॉर्ट स्पैन में रहेगा, 10 का बार 125 सेंटर टू सेंटर। फिर उसके ऊपर हमारा RCC वॉल रहेगा, ये 1 मीटर का वॉल रहेगा दोस्तों, इसमें भी हमारा 8 और 10 का रॉड लगा हुआ है, और इसका डिटेल पूरा दे दिया। अभी इसका पूरा शटरिंग नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो हम स्लैब का ही शटरिंग कर रहे हैं, फिर बीम का शटरिंग होगा, फिर मैं आपको वहाँ पे डिटेल में दिखाऊंगा। चलिए